पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद है इस सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सच में आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का दिन परमेश्वर ब्लेसड होकर बदलने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारा चंगा करने वाले हो, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा का महिमा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय, यीशु के लोग का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के महिमा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। सच में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवान काप के समान नहीं हो जाती है। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के महिमा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ही सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपका तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि महान, क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद यीशु, पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथों में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी का हाथ कर रचा हुआ है। और हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और वह उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। सच में पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना प्रातः काल को, तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। सच में प्रभु ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार कार्य किए, हमारे जीवनों में परमेश्वर ब्लेस किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपने हमें छुड़ाया परमेश्वर पिता। हम कहाँ थे परमेश्वर पिता, घुरे पे से उठाकर अपने चट्टान पर खड़ा किया परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को जानते तक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर हम पर बड़ी दया करके अपना हाथ हम पर रखा परमेश्वर पिता। आपने हमें बचाया और छुड़ाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। वह प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु प्रधान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपने परमेश्वर पिता बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाया परमेश्वर पिता। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सचमुच पिता परमेश्वर आप महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, चंगाई देने वाले परमेश्वर, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बंधनों से को
तोड़ दिया, हमारे जीवन से निकाल दिया, सारी बुरी परिस्थिति को हमारे जीवन से निकाल दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, सारे श्राप हमारे जीवन से दूर कर दिया, खत्म कर दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हमें अपने पापों के लहू से हमें छुटकारा दिया, हमें क्षमा किया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने सबों के मुख पर से अपने आंसू पोंछ डाला। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के लहू की सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का आज वचन कहता है कि प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिसने उस मृत्यु पर विजय पाई है, उस क्रूस पर विजय पाई है, और परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर जय पाई है और जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो उसके कारण आपके सिर पर सदा का आनंद होगा और जय जयकार से आप भर जाएंगे। आप आज मगन हो जाइए, आज आप प्रफुल्लित हो जाइए, क्योंकि आज आपका शोक और अंबी आपकी लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आज आप अपने जीवन में बहुत जितनी वेदना से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर अब आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। यहोवा यूं कहते कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ी ब्लेसिंग करने वाला है, आशीष करने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितना आप कष्टों और दुखों को भोगा है, अपने जीवन में सामना किया, उतने ही परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने जा रहे हैं। दुगनी आशीष से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। जब हम हन्ना के जीवन में देखते हैं, वो एक बच्चे के लिए, एक संतान के लिए रो रही थी, बिलख रही थी, आंसू बहा रही थी, रो रही थी, तो देखिए, लेकिन उसने प्रभु से मांगना और दुहाई देना नहीं छोड़ा। उसे बोलती थी मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। परमेश्वर ने उसे उसके बांझपन को दूर करके उसे क्या किया, संतान की आशीष दी, पुत्र की आशीष दी। और उसके बाद क्या हम देखते हैं, जब हम वचन में देखते हैं तो हन्ना के जीवन में संतान की आशीष तो मिली, और उसने क्या किया, उसने प्रभु के लिए चढ़ा दिया, प्रभु को सौंप दिया, प्रभु के लिए अपने उस बेटे को। उसने पहले ही वर मांगा था, यदि तो ऐसा देगा परमेश्वर, तो मैं उसको क्या करूंगी, प्रभु आपके लिए वो सौंप दूंगी। तो परमेश्वर ने उसकी क्या की, रिस्पेक्ट की, उसका आदर किया। परमेश्वर ने उसके पांच पॉइंट को दूर करके परमेश्वर ने उसे पुत्र की आशीष दी। और ऐसा करने से जब उसने प्रभु के लिए सौंप दिया अपना बेटा, तो उसके बाद उसको दुगुनी आशीष से भर दिया परमेश्वर ने। वो दुगुनी आशीष उसके जीवन में क्या था, उसके बच्चे, उसको परमेश्वर ने और बच्चे से परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। आपको पता है कि परमेश्वर ने हन्ना को कितने बच्चों की आशीष दी, आप बताइए कितने। उसको परमेश्वर ने उसके पांच और बच्चों से परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, तो उसके टोटल कितने बच्चे हुए, छह बच्चे। तो देखिए, जब वो पहली बात उसने प्रभु के सामने दुहाई देना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के सामने रोती गई, जो उसका दुख था, आंसू था, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोना प्रभु के सामने, एकदम ऐसे प्रार्थना करती थी कि जैसे कि नशे के हालत में वो अपने आसपास कुछ भी नहीं देखती थी, उसको लज्जा वज्जा से कोई मतलब नहीं, उससे चाहिए था, उसने ठान लिया था मुझे चाहिए, मतलब चाहिए परमेश्वर से आज। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और प्रभु के सामने समर्पित करने के द्वारा उसे परमेश्वर दुगनी आशीष से भर दिया। तो आज आपके जीवन में भी ऐसी ही स्थिति क्यों ना हो, आप किसी एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए परमेश्वर के सामने, दुहाई दीजिए, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनकर जरूर ब्लेस करेगा। यदि आज आप जॉब के लिए आप मांगते कि प्रभु जी मुझे जॉब दे दीजिए, मेरा बिजनेस को बढ़ा दीजिए, तो मैं कहती हूँ आपको रोज कि आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे कि परमेश्वर आपको दे, तो आप परमेश्वर के लिए उस जॉब के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। आप बोले कि परमेश्वर जो जॉब का से जो भी मेरी पहली तनख्वाह आएगी परमेश्वर, मैं आपके लिए मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ, मैं गरीबों की मदद करूंगी या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं प्रभु आपके लिए करूंगा या आपके लिए करूंगी, तो आप परमेश्वर से
हन्ना ने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी थी, तो वैसे आप भी कीजिए, तो परमेश्वर आपको दोगुना दोगुना आशीष से ब्लेस करेगा। वैसे आप बिजनेस में कीजिए कि आप क्या करेंगे परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में ये ब्लेसिंग करे, तो आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर के लिए करें तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। यदि आज आपके जीवन संतान की ब्लेसिंग चाहिए तो परमेश्वर आपको जरूर संतान के ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। परमेश्वर की प्रार्थना को सुनिए, आप खुद प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना को रिपीट रिपीट करके सुनिए, वचन को पढ़िए, मेडिटेट करिए, वचन को सुनिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर जरूर ब्लेस करेगा और आशीष देगा 100%, क्योंकि मैंने अपने जीवन में चंगाई पाई है, छुटकारा पाई है। मैं पहले इतना रोती थी, रात दिन बेड में बैठे बैठे मैं प्रार्थना करती थी, इतना कितने घंटों तक मैं रोया करती थी, तो आज वो प्रार्थना का फल मेरी गोद में, परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट, मैं एकदम चंगी, मैं चल नहीं सकती थी तो पर मैं उस जब मैं चल नहीं सकती थी उस समय ऐसा लगता था कि हे प्रभु मैं कब चलूंगी, हे प्रभु मैं टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जा सकती थी, मुझे पकड़ के ले जाते थे। मैं सोचती थी ये ऐसे दिन मेरी जिंदगी में आ गए प्रभु, ऐसे मैं ऐसे मन मन में बातें क्या करती थी प्रभु, और ऐसे दिन मेरी जिंदगी में आ गए। लेकिन नहीं, मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हाँ आज आया है, लेकिन वो दिन आने वाला है जिसमें भली चंगी हो जाऊंगी, मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं चलने लगूंगी। मुझे विश्वास था, थोड़े पल भर का जो दुख था वो चला गया और आज देखिए वो आनंद का दिन आ गया मेरे जीवन में। तो आज आपका एक जीवन में भी वो परमेश्वर आपके आंखों से सारे आंसू को पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करने वाला है, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जो दुखों का सामना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके दुख इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी इनको धीरज दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी दया कीजिए, इनको आज नौकरी से ब्लेस कर दीजिए, बिजनेस से ब्लेस कर दीजिए, जिनके पास बच्चे की संतान है उसको बेबी ब्लेसिंग कर दीजिए, बच्चे की आशीष कर दीजिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने आपकी गिड़गिड़ाना को देख लिया है, आपके आंसू को परमेश्वर देख रहा है, आप कितना परमेश्वर के सामने आप पुकारते हैं, आप दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर झुक कर, आपकी तरफ झुक कर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। प्रभु आपके आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा और अब आप परमेश्वर आपको दोगुनी आशीष आपके जीवन ब्लेस कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जितने लोग बीमार हैं अपने चेस्ट पे हाथ रखें, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज इनके जीवन से सारी बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके चंगाई का दिन है, ये सुबह के समय परमेश्वर आपको छू कर चंगाई दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके जीवन में चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज आपके चंगाई का दिन है। चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे अस्थमा हो, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ। चाहे आपका बैक प्रॉब्लम है, चाहे स्टमक में प्रॉब्लम है, चाहे आपके थ्रोट में प्रॉब्लम है, चाहे आपके बैक में, चाहे आपके हैंड में, चाहे आपके हड्डी की प्रॉब्लम है, चाहे आपके या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज आपका जीवन में छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है, आज आपका ब्लेसिंग का दिन है प्रभु जी। प्रभु आ इन लोगों के जीवन को परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर में स्वर्ग की ओर दोहाई देकर प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ये सब भाई बहन है पिता परमेश्वर, मेरे सब भाई बहन है प्रभु जी, हम सब एक परिवार है पिता परमेश्वर। मैं सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबको ब्लेस कर दीजिए, इनके सारे आंसू को पोंछ दीजिए परमेश्वर पिता। किसी के मन में कोई वैर भाव नहीं, सब एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं आज परमेश्वर पिता। प्रभु जी सभी के सभी एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रार्थना का जवाब दीजिए सच में पिता परमेश्वर। को आज अपने सारे बोझ को उन प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, सब परमेश्वर आपकी चिंता को ले लेगा, प्रभु आपके आंखों से सारा आंसू पोंछ डालेगा और आपका जो दुख है वो सब आनंद में बदलने वाला है। प्रभु पे विश्वास कीजिए। ये सुबह के समय परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, जितने भाई बहनों ने परमेश्वर पिता आज इस प्रार्थना में, इस वीडियो में, कमेंट में जो अपनी प्रार्थना का विषय डाला है परमेश्वर, उनके सारी प्रार्थनाओं को सुनकर आज उत्तर देना परमेश्वर पिता। आज आपका छुटकारा और चंगाई का और ब्लेसिंग का दिन है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके सारे शोक को परमेश्वर पिता दूर कर रहा है, आपका शोक
आनंद में बदल जाएगा और आप भी दुगुनी आशीष पाएंगे, और आप जहाँ पर लज्जित हुए हैं उसी स्थान पे आप दुगुनी आशीष को आज पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपके जीवन से सारी समस्याओं का परमेश्वर अंत कर रहा है, सारे दुखों का अंत कर रहा है, और आप परमेश्वर में झूमेंगे और नाचेंगे और मगन होंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आप ये सब के दिन में आज आनंदित हो जाइए। प्रभु को धन्यवाद। और सच में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु सारी भलाइयों के लिए। प्रभु आपकी स्तुति महिमा और तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जो अपने ड्यूटीज पे जाते हैं परमेश्वर पिता, उनके संग को साधना, और प्रभु जी उनके कामों में उनके संग को साधना। प्रभु जी उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दीजिए और उन्हें चलाइए। आज उनके मार्गों में इनकी अगुवाई करके चलाइएगा पिता परमेश्वर। इनके आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बाड़े में कवर करते हैं, आपके लोहों में कवर करते हैं। सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको आपके लोहों में कवर करते हैं परमेश्वर पिता। सारे एक्सीडेंट को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आने जाने मार्गों में स्वर्गदूत के बाड़े में रखना पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिनका बिजनेस है आज उनका बिजनेस बढ़ने पाए, ग्रोथ करने पाए, प्रभु आज इनके बिजनेस को ब्लेस कर दीजिए, आशीषित कर दीजिए। प्रभु जी अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद देते। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उठा लिए जाना चाहिए। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी सुबह की प्रार्थना को, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन, जो प्रार्थना का वीडियो है वो आप देख सकें और आप आशीषित हो सकें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और स्टे ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।